दोस्तों यहाँ पर Max Pro M2 के न्यू अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर Asus Zenfone Max Pro M2 के लिए एक न्यू अपडेट आया था 097 के बिल्ड नंबर का। आप लोगों ने इसको अपडेट कर लिया है, मैंने भी अपडेट कर लिया, सभी लोगों ने इसको अपडेट कर लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 097 का अपडेट करने के बाद बहुत सी नई चीज़ें देखने के लिए मिली है और दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बग्स भी देखने के लिए मिले हैं। तो कौन सी चीज़ें, कौन से बग्स है, वो मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं Max Pro M2 के लिए जो 097 का बिल्ड नंबर का अपडेट है, ये एक एंड्रॉयड पाई के लिए अपडेट दिया गया था दोस्तों। और यहाँ पर इसकी जो साइज थी दोस्तों 611 MB की साइज थी। अब यहाँ पर 611 MB की साइज है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग को यही उम्मीद थी कि इस अपडेट में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट होकर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट दिया गया था ये हमारे Max Pro M2 के लिए एक आने वाला न्यू अपडेट है जो कि Android 10 स्टेबल का है, उसके प्रिपरेशन का ये अपडेट दिया गया था। तो यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आप सभी लोग ने इसको अपडेट कर लिए, सभी के डिवाइस में अपडेट आ गया। तो यहाँ पर दोस्तों 611 MB में आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने के लिए मिल गया और बाकी चीज़ें हमें लगा कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव होकर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसको अपडेट कर लिया, इसको यूज़ भी कर लिया, मैंने आपको पहले रिव्यू की वीडियो भी बनाकर बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इस अपडेट को यूज़ करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा क्या क्या यहाँ पर हमें नया देखने के लिए मिलता है, कौन से बग्स देखने के लिए मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 097 का जो अपडेट है इसको अपडेट करने के बाद बहुत सारे बग्स देखने के लिए मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा बग्स से भरा हुआ अपडेट है दोस्तों। स्टार्टिंग में दोस्तों जैसे मैंने इसको अपडेट किया था अपने डिवाइस में, तो दो दिन तक मुझे कुछ भी नया देखने के लिए नहीं मिला था। इंप्रूवमेंट लग रही थी कि काफ़ी सिस्टम स्टेबिलिटी इंप्रूव है स्मूथनेस है, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे डिवाइस को यूज़ करोगे आप, तो वैसे वैसे आपको यहाँ पर नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, नए नए बग्स देखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर मेरे पास अब तक बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि यहाँ पर ये जो अपडेट है इसको अपडेट करने के बाद हमें बहुत सारे बग फेस करने पड़ रहे हैं। तो बग्स कौन से दोस्तों, यहाँ पर मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर Max Pro M2 के लिए जो 097 का अपडेट है इसमें इतने सारे बग्स है दोस्तों, मैंने भी जो नोटिस किए, सबसे पहला बग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हीटिंग इशू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हीटिंग इशू भी देखने के लिए मिला है। मेरे पास एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि यहाँ पर मैंने 50 MB का गेम खेला है, उसमें भी मुझे मेरा डिवाइस हीट करके दे रहा है, यानी कि उसमें भी उनका डिवाइस हीट हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हीटिंग इशू है और दोस्तों हीटिंग इशू मैंने भी नोटिस की है। तो यहाँ पर जो हीटिंग इशू है ज़्यादा नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे कभी कभी मेरे डिवाइस में हीटिंग इशू मैंने नोटिस की है। यहाँ पर आप लोगों को ये हीटिंग इशू हुई है सभी यूज़र को, तो आप लोग मुझे कमेंट करके यार ज़रूर बताना। यहाँ पर इंप्रूवमेंट स्टेबिलिटी की बात करें, यहाँ पर दोस्तों डिवाइस में कुछ भी हैंग नहीं है, लैग पड़ा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला मेरे डिवाइस में, अभी भी काफ़ी स्मूथनेस चल रहा है, कुछ यहाँ पर इशू नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हीटिंग इशू ज़रूर देखने के लिए मिली। यहाँ पर अब बात करता हूँ मैं चार्जिंग के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जहाँ पर न्यू अपडेट करने के बाद हमारा चार्जिंग बहुत ही स्लो हो गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो इशू है मैंने 2 से 3 बार नोटिस किया है, मैंने हमेशा नहीं नोटिस किया लेकिन 2 से 3 बार ज़रूर इसको नोटिस किया। यहाँ पर दोस्तों 5 घंटा 4 घंटा डिवाइस चार्जिंग होने के लिए टाइम बताता है, तो यहाँ पर बैटरी चार्जिंग स्लो होने का थोड़ा सा इशू हमें देखने के लिए मिलता है इस अपडेट में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इशू, सबसे ज़्यादा जो बड़ा बग है वो है बैटरी ड्रेन का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो 097 का अपडेट है, आप सभी लोगों ने इसको अपडेट किया है, मैंने भी अपडेट किया और आप सभी लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि यहाँ पर बैटरी ड्रेन बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। और दोस्तों ये बैटरी ड्रेन इशू मैंने भी नोटिस किया है, मेरे डिवाइस में अब भी हो रही है, यहाँ पर हद से ज़्यादा बैटरी ड्रेन देखने के लिए मिला है हमें इस अपडेट में। दोस्तों पिछला जो अपडेट था उसमें इतनी नहीं थी बैटरी ड्रेन, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उससे भी ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रही है, तो ये इशू मेरे समझ के बाहर है दोस्तों। यहाँ पर इतना बड़ा अपडेट देने के बाद भी ये सारी चीज़ें फिक्स नहीं होकर देखने के लिए मिली, कम से कम यहाँ पर बैटरी ड्रेन और चार्जिंग इशू फिक्स करके दे देंगे, बाकी हम लोग सब संभाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा फिक्स होकर देखने के लिए नहीं मिला। अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, प्रिपरेशन अपडेट में इस तरीके के बग्स देखने के लिए मिलेंगे तो आने वाला एंड्रॉयड 10 स्टेबल अपडेट होगा उसमें क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए अगर इस अपडेट के बारे में बात करूँ तो स्टार्टिंग में ये अपडेट काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब यहाँ पर यूज़ करने के बाद पता चलता है दोस्तों ये अपडेट बहुत ही ख़राब है, यहाँ पर बहुत सारे बग्स देखने के लिए मिलते हैं, ये एक पूरी तरीके से आप बोल सकते हो ये बगी अपडेट है, जो कि दोस्तों हर एक यूज़र इसको नोटिस करेगा इस अपडेट के करने के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी क्या राय है इस अपडेट के बारे में यार, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैंने अपनी राय बता दी है।
यहाँ पर दोस्तों आने वाला जो नेक्स्ट अपडेट है एंड्रॉइड 10 स्टेबल का, बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अक्टूबर में आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर जब भी वो अपडेट आएगा, कोई न्यूज आएगी, तो मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर बता दूंगा। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी इस अपडेट में, उम्मीद है ये वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और दोस्तों यहाँ पर चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, फ्री में होता है। क्योंकि जब भी एंड्रॉइड 10 का कोई भी डिटेल या फिर नया अपडेट आएगा, उसकी जो वीडियो आएगी वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।